वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। आज के वीडियो में हम आपको बताऊंगा लसा और मस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आता है तो प्लीज़ वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इस टाइप के सवाल को लगाने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल फल, जैसे संख्या, पहली संख्या समझ लीजिए कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि दोनों संख्याओं का यदि अगर आपको मस दिया है, इस बात को समझ लीजिए, और इन दोनों संख्याओं का आपको लसा दिया है, तो इसका सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ध्यान से देखिएगा, दोनों का मसा, दोनों संख्याओं का मसा गुणे दोनों का लसा। तो फ्रेंड्स दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों का मसा गुणे दोनों का लसा। यदि अगर आपके पास में दो नंबर दिए हैं, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है, y है, तो x गुणे y बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, देखिए दोनों का मसा, तो इन दोनों संख्याओं का मसा का गुणनफल, मसा गुणे दोनों संख्याओं का लसा, ये आपका फार्मूला होता है। अब आइए फ्रेंड्स इस फार्मूला से रिलेटेड एक सवाल करते हैं तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। देखिए सवाल है, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, दो संख्याओं का मसा 11 तथा लसा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस को ध्यान से आप पढ़िए कि दो संख्याओं का मसा कितना है, 11 है, तथा लसा कितना है, 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए इसे कैसे लगाएंगे, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, देखिए फ्रेंड ध्यान से, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बराबर दोनों संख्या का मसा गुणे दोनों संख्या का लसा, ये फार्मूला हो गया। अब इसे कैसे लगाएंगे, देखिए आपको क्वेश्चंस में दिया है कि एक संख्या दे दिया है, एक संख्या आपकी जो है कितनी है, 77 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, इसे आप x मान लीजिए। अब दोनों संख्याओं का मसा, देखिए दोनों संख्या का मसा आपका कितना दिया है क्वेश्चंस में, देखिए 11 गुणे दोनों संख्याओं का लसा कितना दिया है, 693। एक लाइन का सवाल है, इसे आप पढ़ के बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए 11 77 और 7 9 यहाँ आपका हो जाएगा 63। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चला जाएगा आपका 7 9 63, तो x बराबर आपका आंसर आ गया 99। तो पहली संख्या देखिए 77 थी, दूसरी आपसे पूछ रहा था, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 99 आ गया। ये प्रश्न आप समझ गए हैं, तो आइए एक अलग प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा अलग प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, दो संख्याओं का लसा 2079 है एवं मसा 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पहली संख्या, देखिए पहली संख्या कितनी है, अब मैं आपको सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहली संख्या आपको दिया है, पहली संख्या कितनी है, 189 है, कितनी है, 189 है, और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब देखिए आगे लिखेंगे दोनों संख्याओं का लसा गुणे दोनों संख्याओं का मसा, तो लसा भी आपको दिया है कितना, 2079 गुणे आपको लसा, मसा कितना दिया है, 27। आप इसे सॉल्व करके दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 6 18, 3 3 9, 3 9 27, 9 7 63 भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो x बराबर 2079/7, तो भाग कितने बार जाएगा, 7 2 14 और 7 9 63 और देखिए 7 7 49,
297। तो दूसरी संख्या आपकी निकल के आ गई 297। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का लसा गुणे दोनों संख्याओं का मसा। लसा आपका दे चुका है, मसा भी दे चुका है, और यहाँ पर पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आपको आए तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास में कितने इसमें नंबर मिल रहे हैं। तो एक नंबर मिल रहा है पहली संख्या, देखिए इसे समझिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और एक दे रहा है कि दोनों संख्या का मसा और दोनों संख्या का लसा। फ्रेंड्स देखिए आपके पास चार नंबर हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का मसा और दोनों संख्या का लसा। इसमें से अगर आपको तीन दे दिया है प्रश्न में तो चौथा फाइंड कर लेंगे। अब तो इसे ध्यान रखिएगा, आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे आप जल्दी से लगाइएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मसा 10 है, तो दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात करिए। तो बहुत सा शानदार सा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको करना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है प्रश्न में, आप देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1500 है, दोनों का मसा कितना है 10 है, दोनों संख्याओं का लसा कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहली बार दोनों संख्या का गुणनफल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 1500 दिया है। फिर दे रहा है कि दोनों का मसा, मसा आपको दे दिया है 10। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का लसा आपको निकालना है, लसा निकालना है, तो इसको आप सीधे एक्स का मान लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स बराबर कितना आएगा 150। ये आपका निकल के आ गया, देखिए दोनों संख्या का लसा, दोनों संख्या का लसा कितना आया 150, यही इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पे आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।